और ये हड़ा गांव का आज बाबा जी, और ये बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं बाबा जी से पूछता हूँ, आप बच्चों का थोड़ा उत्साह वर्धक कैसे करेंगे, आप बताएं क्रिकेट के बारे में कैसा है यहाँ पे। बेटे मेरा तो मन बहुत प्रसन्न ही होता है। मैं बेटे 37 साल टीचर रहा हूँ और तुम में से सब बहुत जानते होंगे, इसलिए जब तुम सबको मैं इस रूप में देखता हूँ तो मन में मेरे भारत के भविष्य की तस्वीर नाचने लगती है। लेकिन भारत के भविष्य की तस्वीर उज्जवल तभी होगी बेटे जब तुम सब में अनुशासन होगा। अनुशासन नंबर एक पे रहेगा और खेल इन सबके साथ साथ में पढ़ाई से भी आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। बेहद मन से बैठे रहोगे, अच्छे रहोगे, कोई दुनिया की ताकत तुमको पीछे नहीं कर सकती। लेकिन प्रश्न केवल एक है कि अनुशासन हम सब में जो एक बंधुत्व का रिश्ता बना हुआ है उस रिश्ते को कायम रख करके काम बेटे करोगे, खुद का भी होगा फायदा और समाज का होगा, आपके घर का होगा और सब मिलाकर के एक दिन आएगा जब ये भारत भी कहीं अपने रोब और दाब से विश्व की गिनती में आ जाएगा। इसलिए मेरी सारी शुभकामनाएं हैं बेटे, सब लोग बहुत अच्छा खेलो, पढ़ाई पर भी पूरी तरह से सब लोग ख्याल रखना। मैं चूंकि टीचर रहा हूँ, अगर पढ़ाई संबंधी कहीं किसी को कोई बाधा आए तो एक बार वो मुझसे अवश्य कंसल्ट करें। दिखाने में प्रॉब्लम आ रही हो, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में, और मैं जरा बहुत तो मालदार नहीं हूँ लेकिन छोटी मोटी फीस की भी प्रॉब्लम किसी तरह से अगर आती है, लेकिन मेरी जिंदगी का जो नंबर एक उद्देश्य है बच्चों की पढ़ाई, अच्छा स्वास्थ्य तभी होगा जब तुम सब लोग खेलोगे कूदोगे। और खेलने और कूदने से सबसे बड़ा फायदा एक ये भी है कि हमारे आपसी रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। भले हम कई भिन्न भिन्न जातियाँ भिन्न भिन्न, लेकिन खेल कूद का ये है, इनका सबका बेटे पालन करना, बढ़िया रहोगे। मेरे लिए ये बस इतना ही काम है। तुम सब जहाँ कहीं भी पढ़ते हो, अगल बगल के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, अगर डिग्री कॉलेज में भी होगे तो भी, चाहे वो संजय मिश्रा का डिग्री कॉलेज हो, चाहे वो यहाँ पे मतलब ये इंटर कॉलेज हो, इंटर कॉलेज में भी इस समय मैं नहा इंटर कॉलेज का प्रेसिडेंट हूँ, हिंदपाल खेड़ा इंटर कॉलेज का प्रेसिडेंट हूँ, इटौली इंटर कॉलेज का मैं कैशियर हूँ और यूनिटी पब्लिक स्कूल का चीफ डायरेक्टर हूँ। तुम्हें से तुम्हारा